आप देख रहे हैं केवल शिक्षा विभाग में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय चल जाइए, 8 साल 9 साल से बने हुए हैं, स्थापना में चले जाइए, शिक्षा विभाग 9 साल 8 साल से बने हुए हैं, शिक्षक हैं जो स्कूल 2017 से नहीं जाते हैं, दिन भर कार्यालय में बैठे रहते हैं, पदाधिकारी की मिली भगत से ये लोग दलाली करते हैं। पदाधिकारी का जितना संपत्ति नहीं है, कोई शिक्षक हैं जिनका नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि ये DM साहब को दिया जा रहा है एक दो दिन में, क्योंकि सतर्क हो जाएंगे, वो दिन भर कार्यालय में बैठते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। और आप ये सर्व शिक्षा में चले आइए, रुईधासा में जो ऑफिस है वहाँ भी कई ऐसे कर्मी हैं जो 8 साल 9 साल से बने हुए हैं, जिनका तबादला 3 साल में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आखिर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है किशनगंज में। जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं, उनसे मैं कल नहीं तो सोमवार के दिन मिलूँगा और लिखित मौखिक इन लोगों के विरुद्ध सबूत के साथ दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग में तो 10-10 साल से लोग यहां पे जमे हुए हैं जी, और स्थापना में तो कर्मी के ऊपर घुसखोरी का आरोप भी लग चुका है जी जी। उस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? उस संबंध में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं सुभाष गुप्ता सर, उनको भी आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लिपापोती हो रही है। पूर्व के जिला पदाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया लेकिन कुछ नहीं हुई। अब के जो वर्तमान के जिला पदाधिकारी हैं उनको दूंगा, उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई करेंगे। और RTE के तहत 1.9 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल को, जो गरीब बच्चों को 25% पढ़ाने के एवज में दी जाती है बिना भौतिक सत्यापन के, जो कि प्रदेश का स्पष्ट चिट्ठी है कि भौतिक सत्यापन करके देना है, किशनगंज सर्व शिक्षा ऑफिस से बिना भौतिक सत्यापन करके पेमेंट दे दिया गया है। संबंध में आप जांच की मांग कर रहे? हाँ, इस संबंध में मैं जांच की मांग कर रहा हूँ, सूचना मांगा हूँ, जो 1 महीना से ऊपर हो गया है, सर्व शिक्षा उस सूचना का जवाब नहीं दिया है। इससे साफ मतलब उन लोगों का जो मंशा जाहिर होता है कि गबन का मामला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत जल्द लिखने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? सैयद आबिद हुसैन, रुईधासा, वार्ड नंबर 23, किशनगंज।